अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह आप लोगों को सबको सलामत रखे और आपके रिस्क में बरकत दे, बहुत बहुत सबको सेहत अता करे। अच्छा, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने को मिलती रहे। अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं आपके लिए? आज हम आपके लिए बना रहे हैं फिश। ये मैंने फिश दो तरह की ली है, एक मैंने फिंगर फिश ली है, दोनों को हमने फ्राई करना है, सही है, मसाला लगाना है। और एक ये हमने दूसरी फिश ली है, ये मैंने मुश्का ली है और इसके मुश्का के ही फिंगर बनाए हुए हैं, ठीक है। फिश के लिए अच्छा, मैरिनेशन बना रहे हैं, देखें आप इसमें हमने क्या डालना है। ये मैंने ना लहसुन का पानी ही ले लिया। अब इसमें आपने 10 से 12 क्लोव से वो हमने इसके अंदर डाल दिए, सही है। इसके लिए हमने पानी में इसमें मिक्स करके पीस दी अच्छी तरह। अच्छा, अब ये एक पैकेट है, ये आप लाहौरी फिश मसाला कोई भी पैकेट ले लें, एक पैकेट ये ले लें और हमारी फिश है ज्यादा थोड़ी। अब हम इसमें और भी हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। एक हमने यहाँ पे ये चिली फ्लेक्स डाल दिए 1 चम्मच और इसमें 1 चम्मच ही के टीस्पून के करीब हमने डाल दिया गरम मसाला और 2 टीस्पून हमने जीरा डाल दिया और ये हमने पेपरिका है, पेपरिका पाउडर डाल दिया इसके अंदर 1.5 के करीब। और इसके बाद हमने इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाली, नमक 1 टीस्पून डाल दिया इसमें, ठीक है। ये हमारे हो गए मसाले। अब आपने मसालों को मिक्स कर देना है, ठीक है। ये आपने मसाले मिक्स किए। अच्छा, इसमें ना लेमन भी आपने तकरीबन 2-3 लेमन डालने हैं इसके अंदर। ये हमने इसके अंदर 1 लेमन का जूस डाल दिया और ये रस बहुत अच्छा रस है इसके अंदर, लेमन के अंदर ये हमने इसमें लेमन मिक्स कर दिया। बीज जो है ना, बीज को निकालिएगा अगर कोई आ जाए। अच्छा, ये आपने कर लिया इसमें लेमन मिक्स। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बिल्कुल बेसन डालेंगे, ज्यादा नहीं, इसमें 4 टेबल स्पून के करीब हमें इसमें बेसन है। ये आपने सारे मसाले, हम ये कम से कम हमारे पास है फिश जो है 1 किलो के करीब फिश है, 1 से 1.5 किलो। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के ना इसमें सरसों का तेल आप ले लें, सरसों का तेल भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, उसके बाद आपने ये इसमें है बेसन, बेसन इसमें आपने ज्यादा नहीं डालना, 4 टेबल स्पून के करीब आप डाल दें इसमें बस, ठीक है। और आपने मसाले को ना ज्यादा वो नहीं करना, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना, थोड़ा सा बहुत, यानी कि बहुत पतला भी नहीं रखना। जैसे ये आप टेक्सचर देख रहे हैं ना, ये क्या टेक्सचर है इसका, इस टेक्सचर में रखना है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, बेसन को देख लें आप, अच्छी तरह मिक्स कर दें और इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अच्छा, घर में अगर आप लोगों के पास अगर घर में मसाले का पैकेट नहीं है तो आपने इसमें यही सब चीजें थोड़ी क्वांटिटी में बढ़ा के डाल देनी है और इसमें आपने कसूरी मेथी भी डाल देनी है, ठीक है। और इसमें आपने धनिया पाउडर भी डालना है, ठीक है। इसमें तो मसाले में ऐड है, इसमें आपने धनिया पाउडर भी ऐड कर देना है या साबुत। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद आपने अब हाथ में अपना इसको मिक्स करना है फिश को, तो आप ग्लव्स पहन लें इसलिए कि इसकी फिश की स्मेल और जो मसाला है ना वो लगता है हाथों में। अच्छा, ये लग गया कांटा मेरे हाथ में। अच्छा, कुछ इसमें ना मसाले में ना वो भी डाल देते हैं, कलर भी, फूड कलर भी ऐड कर देते हैं। अगर आपको फूड कलर ऐड करना है तो कर दें, रेड फूड कलर ऐड करना है तो कर दें, लेकिन मैं नहीं कर रही। अब इसको ना सारी आप फिश को ऐसे मिक्स कर दें इसमें अच्छी तरह। ये आपने थोड़ा सा इसमें ना, मैं आपको रेड फूड कलर डाल के ही बता देती हूँ, मैंने कहा आप लोग बोलेंगे कि बताए आपने डाला क्यों नहीं। फिर ये देखें, मैं असल में भूल गई थी रखना। अब हमने पानी में रेड फूड कलर मिक्स कर दिया और ये देखें जितना डालना है ना आपको उतने ही डालिएगा, वरना फिर ये तेज कलर हो जाएगा बहुत। ये देखिए, ये जो है ना आपने, ये आपने मसाला इसको लगा दिया है यूं करके सारे इस पे पीसेस पे। असल में हमने ना सब पे, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मसाले की इस वक्त, और नींबू की, और उसकी इसमें मेथी डली हुई होती है कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी की भी बहुत अच्छी आ रही है, लाल मिर्च की, लहसुन की बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, ये हो गए आपके 2 पीस हो गए। अच्छा, ये ना आपने मसाले को ना थोड़ा थोड़ा इसको हाथ से यूं करना है, बस बच के ही, इसलिए कि मेरे हाथ में ना कांटे लग रहे हैं, मैंने कांटे निकलवा तो दिए थे लेकिन फिर भी साइड वाले कांटे रह गए,
वो लग रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह से ये करके यूं करके लगा दें फिश पे, और इसके बाद आप इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। 2 घंटे मैरिनेशन के बाद आप इसको फिर फ्राई करिएगा। मैं आपको फ्राई करूंगी तो जब मैं आपको दिखाऊंगी और आप देखिएगा। अच्छा आपने देखे बेसन कम लगाना है, बेसन बहुत ज्यादा नहीं लगाना, फिर वो क्या होता है टूट टूट के ना उसमें गिरता है, वो फिर अच्छा भी नहीं लगता, पतीली में कढ़ाई में चिपकता है। तो मैं आपको ना इसलिए आपको कह रही हूँ कम लगाएं, ताकि ये देखे बाजार जैसी आपका मसाला हो गया। ठीक है, अब ये आपने इसको फिश को आपने छोड़ दिया 2 घंटे के लिए। जो है ना ये फिंगर फिश डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इंशाल्लाह ताला ये भी बेहतरीन फ्राई होगी। थोड़ी सी हम फिंगर फिश करते हैं और थोड़ी सी हम अपनी दूसरी फुल फिश करते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बेहतरीन। अब देखें आप लोग इस तरह करेंगे ना फ्राई तो आपकी कभी भी लगेगी नहीं फिश, देखें आपकी कभी नीचे नहीं चिपकेगी। और ये देखें जैसे बाज़ार में फ़िश फ्राई होती है ना, बिल्कुल उस तरह। आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था ना ऐसे बेसन आपने कम लगाएंगे तो आपकी इतनी अच्छी बनेगी जिस तरह बाज़ार की फ़िश होती है, बिल्कुल वैसे ही बन रही है। ये देखें ना चिपक रही है ना कुछ हो रहा है। अब इसको आप थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पर आप इसको करें, अब इसको निकाल लें, इसलिए कि ये जो है ना वैसे ही वो बनी हुई है ना, छोटे छोटे पीस तो हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये आपकी मछली भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्राई हो गई है। अब हम आपको इसमें बड़े पीस भी मैं डाल के दिखाती हूँ। इसमें हम एक बड़ा पीस डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक करके बड़ा पीस, हाँ एक एक बड़ा पीस डालते हैं और उसको हम फ्राई करते हैं। इसको भी तेज़ फ्लेम में करें, इसलिए कि मछली जो है ना हो जाना होता है जल्दी, मछली इतनी वो नहीं होती, वैसे ही इसमें कांटे निकले में उतना टाइम नहीं लेगी ये। जितना आप इसको तेज़ उस पर करेंगे ना तो ये जल्दी हो जाएगी और खुशबू ऐसी बेहतरीन आ रही है, क्रिस्पी और वो जो होती है ना जैसे क्या बोलते हैं उसको, चाट जैसे चाट मसाला नहीं डाला इसमें, इसकी खुशबू ऐसी आ रही है लेमन जैसी और थोड़ी सी स्पाइसी, बहुत अच्छी, जैसे बाज़ार की, बाज़ार में आप खड़े होते हैं ना मछली फ्राई कराने के लिए, सेम वैसी खुशबू आ रही है यहाँ पे भी इस पर। और इंशाल्लाह आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको एक और इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आपके से मिलती हूँ जल्दी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं, आप जो कहेंगे ना मैं आपके लिए वो रेसिपी बनाऊंगी, आपको बना के दिखाऊंगी बहुत इजी तरीके से, जो आप कहेंगे मैं आपके लिए वो बनाऊंगी। अच्छा अब ये हो गया है, अब इसको आपने पलटना है ना, अब इसको पलट दें फिश को, देखें अब ये देख रहे हैं आप, कहीं से भी मछली आपकी टूटी नहीं है, आराम से आपने पलट भी दी है, कहीं से भी एक ज़रा सी भी कहीं से भी नहीं टूटी आपकी फिश। रेडी, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें अब हमारे निकालते हुए एक तरफ से थोड़ी सी वो हो गई है, कोई बात नहीं, बेहतरीन फ्राई हुई है हमारी मछली। ये थोड़ी सी टूट गई मेरे से उठाते हुए, देखें ये हमारी सब चीज़ें तैयार हो गई हैं और कितनी बेहतरीन लग रही है माशाल्लाह, खुशबू इतनी इस वक्त अच्छी आ रही है ना, आप लोग जब बनाएंगे ना आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी बेहतरीन बनी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।